तो भी मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान साहब को लेके बात करने वाले हैं। ये साल दोस्तों शाहरुख खान साहब का है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान की इस साल कितनी फिल्म आने वाली है। तो भाई एक फिल्म आ चुकी है पठान, जिसने सारे रिकॉर्ड धराशाई कर दिए हैं। और भाई उसके बाद शाहरुख खान की एक फिल्म और आने वाली है, जी हाँ जवान, जो कि 2 जून का आ रही है और जिसका बज़ आपको पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक बात चल रही है कि जवान कब आएगी, जवान कब आएगी, आज जवान में ये हुआ, आज जवान में हुआ। तो भाई जवान को लेकर दोस्तों ज़बरदस्ती बज़ बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं SRK की इस साल के एंड तक एक फिल्म और आ रही है। जी हाँ, डंकी फिल्म आ रही है। और डंकी फिल्म को भाई बना कौन रहा है? राजकुमार हिरानी। और आप सभी जानते हैं राजकुमार हिरानी एक मास्टरपीस फिल्म बनाते हैं, ज़बरदस्त फिल्म बनाते हैं राजकुमार हिरानी साहब। और पिछली उनकी फिल्म को रिकॉर्ड देखें तो ज़बरदस्त, यूँ ज़बरदस्त नहीं भाई, यूनिक फिल्म भी बनाते हैं। तो राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं डंकी फिल्म को। तो राजकुमार हिरानी की फिल्म यूनिक होती हैं, मास्टरपीस फिल्म होती हैं। तो ये जोड़ी भी SRK और राजकुमार हिरानी की जोड़ी पहली बार आ रही है भाई, ज़बरदस्त कमाल करके ये फिल्म आपको दिखाने वाली है। देखिए, हम पिछले इस फिल्म से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, इसमें भी शाहरुख खान साहब आर्मी ऑफिसर बनने वाले हैं। जी हाँ, आर्मी ऑफिसर बनने वाले हैं। आपको पता होगा इससे पहले भी SRK बहुत सारी मूवीज़ में आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं और इस फिल्म में भाई आर्मी ऑफिसर बनेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर भी देशभक्ति का तड़का लगने वाला है। ये फिल्म भी ज़बरदस्त करने वाली है, क्योंकि राजकुमार हिरानी हमेशा ही यूनिक करते हैं। तो इस फिल्म में भी कुछ यूनिक करने वाले हैं। इससे पहले फिल्म आई थी कि डंकी फिल्म में जो SRK हैं वो काफ़ी देशों में ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, और जो भारत के लोग हैं जो इलीगल रूप से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं उनको बचाने का काम करेंगे। ये पिछली अपडेट थी। अब नई अपडेट ये आई कि आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। तो भाई थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आ रही है। बाकी अगली बात है कि डंकी फिल्म कब आ रही है। तो भाई ऑफिशियली अगर देखें तो आपको पता है कि वो इस साल के एंड में आ रही है, दिसंबर के एंड में आ रही है। लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि SRK साहब अभी बिजी हैं जवान फिल्म की शूटिंग के अंदर और बहुत दिन रात काम कर रखे हैं शाहरुख खान साहब ने, कि भी किसी तरह से जो जवान फिल्म है उसको टाइम पर लेकर आना है। उसी वजह से उन्होंने डंकी की जो शूटिंग है उसको पोस्टपोन कर रखा है। तो भाई ये फिल्म जून में आ रही है और जून में आने के बाद ही SRK भाई इस फिल्म के ऊपर काम शुरू करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि शायद ये पॉसिबल भी हो कि इस साल अब जाए, क्योंकि आपको पता है कि SRK वैसे बेसिकली जो कमिटमेंट करते हैं उसको निभाते हैं। क्योंकि अब उस समय पहले तो ये भी कह रहे थे कि जवान टाइम पे नहीं आएगी, लेकिन SRK ने दिन रात एक कर रखा है और वो कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं कि 2 जून तो 2 जून। तो डंकी में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि फिलहाल अभी शूटिंग नहीं चल रही है। तो अगर मान लीजिए फिल्म इस साल के एंड में नहीं आती, तो भाई ये फिल्म आपको कब देखने को मिलेगी? तो ये फिल्म अगले साल आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर किसी भी मंथ में ये फिल्म भाई आती हुई दिखाई देगी। अपडेट कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और आप SRK के फैन हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।